गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा। ये वही पार्ट चल रहा है लेसन 11, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके अंदर जो है, मतलब ये कल मैंने जो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो ज्ञात की थी, वो किसकी की थी, मतलब उसका सूत्र फाइंड आउट किया था। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो MGH, यानी कल मैंने फॉर्मूला लिखा था EP = MGH। इस फॉर्मूला के आधार पर कोई भी सवाल आ जाए तो उसको हम हल करेंगे। M क्या है? मास। G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और H जो है वो हाइट है। तो ये सवाल कल मैंने एक बताया था, आज एक और कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये स्प्रिंग का नाम अगर आ जाता है, तो स्प्रिंग का नाम आने पर या सिंपल पेंडुलम के आधार पर कोई सवाल आ जाता है तो उसको पहले कैसे करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा चित्र से समझाना चाहता हूँ। मान लो ये कहीं कील लगा दी और ये धागा लगा दिया और यहाँ पर ये सिंपल पेंडुलम हैंग कर दिया, लटका दिया, सस्पेंडेड है इस पर। ये वो धागा है जिससे कि ये सिंपल पेंडुलम या बॉब हमारा बंधा हुआ है। ये हमारी लंबाई इस धागे की जो है L कहलाएगी। अब इसको A पोजीशन से हम कहाँ ले जाएंगे? B पोजीशन पर ले जाएंगे, B पोजीशन पर इस बॉब को। तो ये जो धागा होगा ये आ जाएगा, ये कोण बनेगा थीटा। तो साइन थीटा का सूत्र लगेगा यहाँ। तो ये बॉब फिर यहाँ से हम फ्री करेंगे यानी छोड़ेंगे, तो ये बॉब यहाँ आ जाएगा और यहाँ से वो गतिज ऊर्जा करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा, यानी सी पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं, उनको ध्यान में रखना। शॉर्ट नेम जैसे EP लिखा हुआ है, यहीं कहीं PE लिखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा समझना। कहीं KE लिखा हुआ है तो उसे काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा समझना। कहीं ABCB नाम आएंगे, ये चित्र की पोजीशन है, केयरफुली दिस फिगर, जहाँ पर नॉमन क्लेचर ABC डाला है। तो ये B क्या है, A क्या है? ये बॉब है। बॉब एक पीतल का गोला होता है, या आयरन का हो या किसी का हो, ये गोला होता है, स्फीयर टाइप होता है छोटा, ये मैंने बना दिया। इसके हिसाब से इसको देखते जाना। तो देखो, वेन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये बॉब क्या हो गया? ये तुम्हारा स्फीयर हो गया। ये सिंपल पेंडुलम का एक बॉब जो है इज डिस्प्लेस्ड टू वन साइड ऑफ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो अवस्था कहलाएगी वो इक्विलिब्रियम अवस्था कहलाएगी, यानी क्या कहलाएगी? साम्यावस्था कहलाएगी। तो इस अवस्था से, ये मैंने जितना पढ़ा था उतना बोल रहा हूँ, इस बॉब को पकड़कर इसको हम ए पोजीशन से कहाँ ले जाते हैं? बी पोजीशन से, यानी साम्यावस्था से। देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लिफ्टेड अप। इसको कहाँ? थोड़ा ऊपर उठाते हैं। ये ग्रेविटी शब्द क्यों आए ये समझो, क्योंकि लटका हुआ है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। यानी फिर समझो, व्हेन द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड, डिस्प्लेस्ड का मतलब हटाना, वन साइड एक तरफ को, द इक्विलिब्रियम पोजिशन कहाँ से? साम्यावस्था से। देन इट्स सेंटर ग्रेविटी इज लिफ्टेड अप। तो ये थोड़ा जो है यहाँ से आए तो ये तो लग रहा है सीधी लाइन तो ये है, अब ये थोड़ा ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है। तो द वर्क डन इन द प्रोसेस इज स्टोर्ड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ आकर के मान लो छोड़ना है हमें, तो इसमें यहाँ पर क्या होगी, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेंडुलम, व्हेन बॉब इज फ्रॉम दिस पोजीशन
देन इट रिटर्न्स टूवर्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। यानी यहाँ से जब इसको रिलीज करेंगे यानी छोड़ेंगे तो वो अपनी पहले किस अवस्था में आएगा, साम्य अवस्था में आएगा, और इट्स पीई डिक्रीज यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब ये बी से ए पर आएगा या ए यहाँ डाल लो तो ए टू बी लिखा हुआ है वहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी पर जाने पर स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, लेकिन सॉरी ए से बी पर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा, लेकिन बी से जब छोड़ेंगे तो पी ऑफ द पेंडुलम व्हेन बॉब इज फ्रॉम द पोजिशन देन इट रिटर्न्स टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम स्टेज, इट्स पी ई डिक्रीज, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, इस गतिशीलता के दौरान फ्रॉम ए टू बी एट ए इट्स पी ई इज लोएस्ट, यानी ए पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी इससे रहे, क्यों एक जगह रुका हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ स्टेट्स ऑफ बॉब हाइएस्ट के ई, तो जब ले जाएंगे तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा होगी कम होगी बिल्कुल, और गतिज ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिक, गतिज ऊर्जा अधिक होगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मोर होगी, अधिक होगी। तो ये मैंने बताया था हाईएस्ट के ई यानी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ दिस, यानी ए पोजीशन में जब ये बॉब होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, बिकॉज ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, इस गतिज ऊर्जा के कारण पेंडुलम जो है चलता है टूवर्ड्स अदर साइड ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी जो इक्विलिब्रियम यानी ये जो साम्यावस्था है उससे ये चलना प्रारंभ करता है ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, यानी इस गति के दौरान काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। अब ये ऊर्जा जो है जब इसको ए से बी पर ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी और अगेन इट्स पी ई इनक्रीज, लेकिन स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ए से हम बी पर ले गए तो मतलब गतिज ऊर्जा तो कम होगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। अब इसी पॉइंट पर आ जाओ, इससे यहाँ छोड़ेंगे तो पहले कैसा आएगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पोजीशन पर आएगा और फिर वो चूंकि गतिज ऊर्जा आ गई तो वो सी की ओर चलेगा, तो एट पॉइंट सी द स्पीड ऑफ पेंडुलम इज जीरो, यहाँ पर आकर के इसका जो गति होगी वो क्या होगी, जीरो होगी, शून्य होगी। तो अब देखो ये दिस पॉइंट द के ई ऑफ द पेंडुलम एंड इट्स पी ई इज द हाईएस्ट, ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे उधर गई थी वस्तु छोड़ दिया इधर आ गई तो यहाँ पर तो गतिज ऊर्जा जीरो हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर अधिकतम हो जाएगी, ये लिखा हुआ है पी ई इज यानी पोटेंशियल एनर्जी इज हाईएस्ट, द पेंडुलम रिटर्न्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये यहाँ तक आ गया तो फिर वो अपनी कौन सी अवस्था पर जाएगा, साम्य अवस्था पर जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्वायर्ड किसके कारण जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के कारण, यानी इधर था बीच में इक्विलिब्रियम स्टेज है ए पोजीशन पर आया तो गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार से यहाँ से रिलीज किया तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी और उसी कार्य करने की क्षमता के कारण वो पेंडुलम जो है ए पोजीशन पर किस पे आ जाएगा, सी पोजीशन पर आ जाएगा। अब ये मान के चलते हैं हम इसका वेट जो है मास क्या लिखा हुआ है, इसके मास को क्या माना हमने, एम माना,
और इस स्ट्रिंग की लेंथ को विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड, यानी जिस धागे से ये बंधा हुआ है उसकी लंबाई हमने क्या ले ली है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू विच इट इज सस्पेंडेड, जिससे ये लटका हुआ है, यानी जिस धागे से ये लटका हुआ है उस धागे की लंबाई एल ले ली। तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर डिस्प्लेसमेंट एक्स, अब ये एक्स क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, एक्स, क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा यानी विस्थापन जो होगा वो एक्स दूरी का होगा, और इसको हमेशा हम किस में नापेंगे, मीटर में नापेंगे। तो हम क्या बताएंगे, अब इसके फॉर्मूला निकाल लेंगे, बताया था तो ये जो है ई पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी हाफ एम जी अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखो, ये हमारा वैल्यू जो है एम की, जी की और एल की कांस्टेंट है, चूँकि एम कॉमा जी एंड एल इज कांस्टेंट, कैसे हैं, नियतांक कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एम जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं एम जी अपॉन एल जो होता है वो के बराबर होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चूँकि एम जी अपॉन एल जो होगा वो किसके बराबर होगा, के कांस्टेंट के बराबर है, तो के कांस्टेंट हो गया तो इसका स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला बनेगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला से अगर कोई स्प्रिंग का नाम आ जाता है तो तुम्हें क्या करना है, स्प्रिंग का नाम आ जाता है तो स्प्रिंग का वो के मान वो दे देगा हैं। अब यहाँ ये कह सकते हैं द पोटेंशियल एनर्जी यानी ई पी, ये हो गई क्या हो गई, पोटेन एनर्जी ये हो गई। अब ये लिख ले रहे हैं सिमिलरली, यहां लिख दे रहा हूं, यहीं लिखूं सिमिलरली कॉमा स्प्रिंग कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज क्या लिखा है, के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो गया, के हो गया, इज डिस्प्लेस्ड displaced by distance distance क्या मानी थी, x, वो लिखा हुआ है वहां, distance क्या हो गई x from the equilibrium stage यानी साम्यावस्था से, from the EQI from the ULIBRIUM equilibrium यानी साम्यावस्था, equilibrium within the elastic विद इन द इलास्टिक टाइम्स देन ट
टाइम्स देन द पी ई देन द पोटेंशियल एनर्जी, ये वापस क्या लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, ऑफ द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी ऑफ द स्प्रिंग विल बी क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना क्योंकि स्प्रिंग का नाम आया है इसमें। हाँ एक बार और रिपीट करूँगा बिल्कुल, हाँ थोड़ा हिंदी भी बोलूँगा मैं। देखो जब एक सरल लोलक को क्या किया जाता है, उसकी साम्यावस्था से एक ओर डिस्प्लेस किया जाता है, यानी ये कैसी अवस्था है, साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम है, इसको एक तरफ हमने विस्थापित किया तो उसका जो ग्रेविटेशनल सेंटर है वो थोड़ा इससे ऊपर उठ जाता है। अब इस दौरान क्या होता है, लोलक पर यानी इस बॉब पर जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य विस्थापित स्थिति में लोलक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है, यानी जब इसका विस्थापन जो है कहाँ से, साम्यावस्था से बी पोजीशन में लाते हैं तो इसमें क्या आ जाती है, ऊर्जा तो होती है लेकिन वो ऊर्जा कैसी होती है, स्थितिज ऊर्जा। और लोलक को जब स्थिति से छोड़ा जाता है, जब स्थिति से यानी बी पोजीशन से हम इसको छोड़ेंगे तो ये पहले किसकी ओर आएगा, साम्यावस्था की ओर लौटता है, उस ओर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी लेकिन गतिज ऊर्जा जो है बढ़ती हुई चली जाती है। अब इस माध्य स्थिति में लोलक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है, और गति के कारण जो है गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ती हुई चली जाती है। और इसी गतिज ऊर्जा के कारण लोलक जो है अपनी मध्यमान स्थिति से दूसरी ओर, दूसरी ओर का मतलब इसमें गतिज ऊर्जा आ गई, अब ये सी की ओर जाएगा, किधर जाएगा, सी की ओर जाएगा, और गतिज ऊर्जा पुनः जैसे जैसे ये इधर बढ़ेगा तो अब गतिज ऊर्जा कम होने लगेगी लेकिन स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। लेकिन सी पोजीशन तक जाते जाते या लोलक का, बॉब का सी पोजीशन पर पहुंचने पर उसकी जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाती है। और फिर वहीं आ गए जैसे इधर गए थे तो यहाँ गए तो गतिज ऊर्जा शून्य हो गई लेकिन स्थितिज ऊर्जा का मान जो है वो अधिकतम हो जाएगा। और इस पोटेंशियल एनर्जी के स्टोर होने के कारण ही लोलक यानी ये जो बॉब है वो अपनी मध्यमान स्थिति में आना प्रारंभ कर देता है। तो हमने ये कहा था नीचे जो लिखा हुआ है, इसी तरह से अगर गोलक का जो बॉब, बॉब का जो मास है वो कितना है, एम, ये लिखा हुआ है, बॉब का मास कितना हुआ, दिया हुआ है एम दिया हुआ है और उसे जिस जगह सेंटर लटकाया गया है धागे से, उस धागे की लंबाई जो है वो एल होगी और विस्थापन के लिए उसकी स्थिति ऊर्जा जो है वो क्या होगी, एक्स होगी, क्या होगी, एक्स। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र होगा, स्प्रिंग यानी कोई स्प्रिंग भी आ जाए, यहाँ तो धागा आई है तो ये मतलब जो स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब मैंने कहा था ना, मैं एक दो सवाल इसके, ये किताब के ही एग्जाम्पल हैं कल जो मैंने एग्जाम्पल कराया था वो एग्जाम्पल था आपका एक्सरसाइज का, यानी अभ्यास, एक्सरसाइज अभ्यास के जो पीछे प्रश्न दिए होते हैं उसका कराया था। अब एक दो सवाल इसके कराने की कोशिश करूंगा, इससे संबंधित हैं इसलिए करा रहा हूं।
तो पहले मैंने क्या बताई थी, डिटेल लिख लेना जो भी हो, एक किताब दो। हाँ ये है, एक विद्यार्थी 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को, मतलब 3 किलो की कोई वस्तु है उसको जो है, तो पहले किलोग्राम वजन आ गया तो इसका मास जो होगा कितना होगा, 3 kg होगा, यानी उस वस्तु का भार कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। अब वो पृथ्वी की सतह से उठाकर 50 सेंटीमीटर, यहाँ एक टेबल रखी हुई है, जमीन से इसकी ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर, तो हाइट कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर हो गई। तो 3 किलोग्राम की वस्तु जमीन पर रखी हुई है, उसको जो है 50 सेंटीमीटर ऊंची टेबल पर रख देता है, तो वस्तु में निहित स्थितिज ऊर्जा की गणना करो। तो यहाँ मैंने कल भी बताई थी जी का मान अगर दे दे तो ठीक है, वैसे ज़्यादातर जो है 10 मीटर पर सेकंड उसका देते हैं। हाँ देखो एक बात ध्यान रखना, ये H जो है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, इसके मीटर बनाओ पहले, क्या बनाओगे, मीटर, तो मीटर जो होंगे वो 0.5 मीटर हो जाएंगे, यानी 100 का भाग दे दो सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 का भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, मीटर बन जाएंगे। अब सूत्र लगा लो, स्थितिज ऊर्जा की गणना करवा रहा है क्वेश्चन में, ये तुम्हारी किताब में शायद एग्जाम्पल है कोई इसी के, यानी जो मैंने समझाया है सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ये जो बताया है उसी के बाद ये तुम्हें एग्जाम्पल मिलेगा, किताब में देख लेना कौन से नंबर का है। अब हमें स्थितिज ऊर्जा निकल जा रहा है, तो चूंकि ईपी इक्वल टू क्या बताया था, MgH, एक इसके बेस पर भी सवाल कराऊंगा ईपी। अब M कितना है, 3 kg इंटू जी का मान 10, एच का मान कितना है, 0.5, ये मीटर में आ गई। ध्यान रखना वहाँ सेंटीमीटर में अगर ऊंचाई दे तो उसको यू विल हैव टू कन्वर्ट इंटू मीटर, उस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ये मैंने लिख दिया। तो देखो इसका तीनों, या ये करो एक स्टेप में डेसिमल हटा लो, तो एक अंक के बाद डेसिमल, तो 10 नीचे बढ़ेगा, यानी 10 हो जाएंगे, ये 10 से 10 कट गए, और 5 3 15 3 5 15 जूल उत्तर के संग, ये जरूर लिखकर के आना है। तो स्थितिज ऊर्जा जो मेज पर उठाने में किया गया कार्य था वो कितने जूल का हो गया, 15 जूल का हो गया, ये उतार लो। एक सवाल और कराऊंगा, उसकी डिटेल भी लिख लो, हाँ उदाहरण ही है ये भी किताब का ही। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, यानी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ए स्प्रिंग, तो कांस्टेंट का सिंबल अभी क्या बताया था, के बताया था, के बराबर होता है Mg/L, क्या होता है Mg/L, तो स्प्रिंग का नियतांक दे रहा है, तो मैं पहले उसकी जो है डिटेल लिख लूँगा, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो किसका मान लिखेंगे हम, K का मान, तो K का मान किताब में देखते देख लेना कितना दे रहा है, K का मान दे रहा है 6 × 10³ न्यूटन मीटर, 6 × 10³ और न्यूटन मीटर, क्यों, इस कांस्टेंट की ये यूनिट है, ये न्यूटन अपॉन मीटर, तो ये तो जब कोई सवाल आए तो किसकी जगह रखोगे, के की जगह रख दोगे। दूसरा इसमें दे रहा है, इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में, यानी स्प्रिंग लटकी हुई है, ये स्प्रिंग लटकी हुई है, ये अब ये इसकी माध्य स्थिति होगी, क्या हो गई, ये यहाँ पर ये स्प्रिंग मान लो कोई लटकी हुई है, ये इसकी कौन सी है, साम्यावस्था, यानी कौन सी अवस्था होगी, साम्यावस्था। तो ये स्प्रिंग लटकी हुई है, अब इसको हमने खींचा,
और वो खींचा कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। तो इसका जो एक्स होगा वो कितना, जी का मान तो वो ही आएगा, के का मान दे दिया तुम्हें, तो 1 सेंटीमीटर खींचा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बताए थे ना, ये जैसे इधर खींचो चाहे इधर खींचो चाहे नीचे खींचो, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करा रहा है वो देख लो, तुम्हारी वही स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, यानी क्या ज्ञात कर रहा है, कितना कार्य करना पड़ेगा किसको, स्प्रिंग को, इसे माध्य स्थिति से यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को खींचने में जो कार्य होगा, तो वहां लिख देंगे स्प्रिंग को खींचने में किया गया कार्य यानी W। ये अब W और कार्य किसे कहते हैं, ऊर्जा को, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो ये कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्यों उसकी दूरी तय हो रही है, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो EP बराबर जो होगी, अभी फॉर्मूला क्या लगाया था, 1/2 kx2। हाँ, इसमें भी आ गई वो बात, ये नाप जो है किस में दे रहा है, सेंटीमीटर में, तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो कितनी कर दें, 1/100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के 1/100 मीटर हो गए, या ऐसे लिख लो 1/100 ये मीटर, यही लिख दो, ये हो गए। अब तुम अपने फॉर्मूला में ये वैल्यू लगा लो, कैसे लगाओगे, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य, कार्य करने की शक्ति को ही ऊर्जा कहते हैं, तो किया गया कार्य वो ऊर्जा के बराबर यानी W के बराबर होगी, तो 1/2 × k का मान कितना है, 6 × 10³ और न्यूटन मीटर × अब x की वैल्यू देखो कितनी है, 1/100, एक खाली x की है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब बोलो खोलो जरा, तो 1/2 × 6 × 10³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1, 2, 3 लिख सकते हैं, 1/100 को 2 बार लिखेंगे, यानी 1/100 और 1/100, ये 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र में क्या आया था, स्क्वायर आया था, स्क्वायर अगर आया था तो उसकी वजह से उसको 2 बार लिखना पड़ा, ये ध्यान रख लो, 10³ का मतलब है कि 10 में 3 बार लिख लो, 10³ = क्या हो गए, 10 × 10 × 10, जैसे 10 का स्क्वायर कर रहे हो तो 10 × 10, 10 का क्यूब निकाल रहे हो तो 10 × 10 × 10, ये कितनी बार लिख लिया, 3 बार, तो 3 बार में 3 जीरो हो गए, तो ये लगा दिया। अब देखो जरा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ऊपर के 3 जीरो, नीचे के 3 जीरो कट गए, नीचे क्या है, क्या रह गया, 1 जीरो रह गया, ये 2 से कट जाएंगे, 2, 3 या 6, तो ये आ जाएगा 3/10 J, ये आ जाएगा। अगर और चाहो और निकाल लो, इसमें नीचे कितने जीरो हैं, 1, तो ऊपर 1 के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.3 J कार्य करना पड़ेगा, यानी कार्य की इकाई भी वही जूल है, और स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य W होगा, यानी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, अब वो आएगा 0.3 J, इतना कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बताए थे स्प्रिंग की या सरल लोलक की जो है स्थितिज ऊर्जा है, और इसके बाद इसमें 2 सवाल आए थे वो तुम्हें कराए थे, अब इसके बाद मैं लूँगा वो पढ़ करके आना नेक्स्ट वीडियो में, विद्युत ऊर्जा के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, हैं, इसमें और पूछना हो
तो सोमवार को जो है हर सोमवार को तुम्हारा पढ़ने का टर्न आता है, और मंगलवार को जो है वो किसका टर्न आता है, वीडियो मीट, उस पर पूछते हैं बच्चे, बात करते हैं। तो अगले विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ करके आना है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।